माइक वगैरह टेस्ट हो गए थे। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं बेटा हूँ आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँगा सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आपकी जो तैयारी है वो भी प्रॉपर चल रही होगी, और जिसकी नहीं चल रही है वो लगातार अपने प्रयास करते रहें, क्योंकि वैकेंसी जो आपकी आ चुकी है, जिसके तहत जो आपका ALP की और शायद टेक्नीशियन की भी कल सर ने डाला था, तो लगभग 9,000 के आसपास टेक्नीशियन भी आ चुकी है। तो अपना क्लच चल रहा था, अगर मैं मोटर मैकेनिक या अपने डीजल मैकेनिक की बात करूं तो अपना टॉपिक जो था क्लच चल रहा था, और क्लच के अंदर जहां तक मेरा मानना है, कल अपन ने कौन क्लच को पढ़ा था, इसके बाद अपन ने सिंगल प्लेट क्लच को स्टार्ट किया था, जिसमें से अपन ने क्योंकि अपन जानते हैं कि सिंगल प्लेट क्लच के 3 पार्ट होते हैं, ड्रिवन, ड्राइविंग और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, जिसमें से अपन ने ड्राइविंग को कंप्लीट किया था, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म थोड़ा समझा था और लिखा नहीं था उसके बारे में, है ना। तो आज की जो आपकी हेडिंग रहेगी वो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म रहेगी, है ना। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ये करता क्या है? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर है उनको कनेक्ट या अंगेज या उनको डिसंगेज करने के काम आता है। तो पहली चीज तो इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसके द्वारा इसके द्वारा ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर को जोड़ा या फिर अलग किया जाता है। दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं आपके जो क्लच है उसको नॉर्मली अंगेज कंडीशन में भी यही रखता है, क्योंकि ये प्रेशर अप्लाई करके रखता है उसके पीछे, है ना। तो ये भी इसमें लिखिए, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ही सामान्य स्थिति में प्रेशर प्लेट पर दबाव बनाकर अंगेज्ड रखता है। तो ये तो हो गया इसका काम, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का। बात करते हैं इसके प्रकार की,
तो ये तीन प्रकार से यहाँ पे प्रेशर बनाया जाता है, यानी आपका जो प्रेशर प्लेट है इस पे जो दबाव बनाया जाता है वो तीन तरीके से आप बना सकते हो, या तो एक बड़ा स्प्रिंग यूज़ करके, या डायफ्राम यूज़ करके, या फिर आप एक छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के स्प्रिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। लिख लिया। क्लच को तीन प्रकार से ऑपरेट किया जा सकता है या किया जाता है। वो तो आ जा रहा है सर, टाइम का पता नहीं चल रहा ये सोच रहा था वो मोटर मैकेनिक का ही गायब हो गया, अभी कैसे हटेगा। कितने बजे आया था? 8 बजे। हाँ, वेरी गुड, परसों की तरह आ गई फिर भी नहीं पता लगा। है। फिर पता नहीं लगा, तो कुछ नहीं बोला, लगी थी 6 बजे स्टार्ट होगी। मैंने बोला ठीक है आ जाती हूँ, ये होगी 6 बजे। तो फिर कल का देखा ना, तो बड़े वाले प्रिंट वाले पे 8 में भी कह रहा था, तो वही देख के देख लिया। पीछे पड़ा है ये मैसेज डालता हूँ आपने, बोला भी क्लास है। मैसेज नहीं आया था? ये चलो मैं बोल दूँ कल से 3 बजे ही डाल देना। सही बात है। नहीं वो तो कम से कम 2-3 घंटे पहले तो इन्फॉर्म होना जरूरी है, कल से अपन डलवा देंगे ना डायफ्राम। और तब तो कोई सेंस भी ना रहे, अगर कैंसिल हो जाए तो भी बच्चे तो आ ही जाते हैं। कल से 3 बजे का बोल दूंगा ना मैं, 3 बजे भाई अपन कंफर्म कर दो बच्चों को। ये तीन तरीके हैं जिनकी सहायता से अपन क्लच को ऑपरेट करेंगे, या तो एक आप बड़ा स्प्रिंग प्रयोग कर लो, या फिर आप एक डायफ्राम स्प्रिंग यूज़ कर लो, या फिर आप कई छोटे छोटे स्प्रिंग लगाकर अपन प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले हेडिंग डालिए यूज़ ए बिग कोयल स्प्रिंग, सबसे पहले एक बड़ा कोयल स्प्रिंग का प्रयोग करके। वो तो इधर कंफर्म करो यार, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। ये दिक्कत आ रही है, पहले बोला था कि एक बार मेरे से पंद्रह सौ रुपये से पढ़ा दी, अब वो रूम में पढ़ा दिया। ये चीज मैं डिसाइड नहीं कर सकता यार, मेरे को तो जो बोला जाता है वही पढ़ाया जाए। वो एक बार आप बात कर लीजिए यार, इसका तो मैं देखो कोई, मेरे को तो जो बोला जाता है वो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। डीजल बोला डीजल पढ़ा दिया, मोटर मैकेनिक बोला मोटर मैकेनिक, वेल्डर बोला वेल्डर पढ़ा दिया। देखो ये चीज़ें नहीं, हमारे हाथ में नहीं रहती, आप उधर ही बात कीजिए,
हमें तो जो सब्जेक्ट आगे से बोला जाता है, और वो मैंने बोल ही दिया सब्जेक्ट के लिए, तो वो आप तो अपने स्तर पे देखिए यार, ना इसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं थोड़ी ना जिद कर सकता हूँ कि मैं यही पढ़ाऊंगा। एक बड़ा कोयल स्प्रिंग, अब इसका कोई परफेक्ट फोटो नहीं है अपने पास, इसने अपन को कौन क्लच वाला लेंगे ना। इसका फोटो अपने पास यही है ना, तो इसी की सहायता से समझेंगे। दिख रहा है आपको बड़ा सा स्प्रिंग, ये रहा सेंट्रलाइज स्प्रिंग होता है पीछे, ये एक आपका रिटेनर की तरह काम करेगा ना। वैसे दो रिटेनर लगे होते हैं, एक भी नहीं होता है, दो होता है, और दूसरा डबल स्प्रिंग भी होती है ना। डबल स्प्रिंग क्या करती है, और इसके अलावा एक एक फंक्शन और भी होता है, स्लिप होने से बचाता है। क्योंकि मान लो सिंगल स्प्रिंग है तो वो ज्यादा, क्या पता प्रेशर प्लेट उस सिंगल इतना दबाव नहीं डाल पाए तो स्लिप हो सकती है। मान लो एकदम से जब आप ज़्यादा झटका लगे या कहीं ब्रेकर वगैरह पे जब उधर से थ्रस्ट आएगा तो ये इधर आ सकती है, डिसंगेज हो सकती है, तो स्लिप होने से बचाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके बड़े कोयल स्प्रिंग होते हैं उसमें डबल स्प्रिंग क्यों लगाई जाती है, स्लिप होने से बचाने के लिए क्लच को, है ना। तो ये अपन लिखेंगे इसमें, तो सबसे पहले लिखोगे लिखो, इस प्रकार के मैकेनिज्म में डबल सेंट्रलाइज्ड स्प्रिंग का प्रयोग कर क्लच को ऑपरेट किया जाता है। जुगल सर भी शानदार है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लग गए क्या, साइंस भी वही पढ़ा रहे हैं शायद। हाँ फिजिक्स में न्यूमेरिकल, और आते भी जो हैं मतलब 10 तो मान के चलो, कम से कम 10 क्वेश्चंस तो आते हैं न्यूमेरिकल 10। ना 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 ना, बेसिक सा आता है यार। अब न्यूटन का सेकंड लॉ है एफ बराबर एम ए, इससे आ जाएगा, मास दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, फोर्स पूछेगा, गुणा ही तो करना होता है, इतना मुश्किल नहीं आता। हाँ कुछ एक क्वेश्चन होते हैं ऐसा भी नहीं किया, मतलब कुछ तो ऐसे भी होंगे, फिर चार पांच थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, है ना, जो थोड़ा सा पढ़ के आया, और दो चार तो ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से पढ़ के आया ना वो ही जवाब दे पाएगा। तो हर टाइप की कैटेगरी बनी रहती है उसमें, क्योंकि वो तभी तो अलग कर पाएंगे बच्चों को, ऐसे तो फिर सारों के सेम नंबर आ जाएंगे। इसके अंदर क्या क्या प्रयोग किया जाता है, इसमें एक तो एडजस्टेबल रिटेनर का प्रयोग किया जाता है, यानी इस मैकेनिज्म एक एडजस्टेबल
रिटेनर, दो स्प्रिंग, वही एक प्रेशर प्लेट तो लगेगी क्योंकि उसी पे तो लगाएंगे अपन, यानी तीन पार्ट होते हैं बेसिकली इसमें। प्रेशर प्लेट का प्रयोग होता है इस पूरे मैकेनिज्म की मैं बात करूं कि कौन कौन हिस्सा लेंगे इसमें, तो ये तीन चीज़ें होती है जो इसमें काम करती हैं। एडजस्टेबल रिटेनर होता है, दो स्प्रिंग होती है, दो स्प्रिंग मतलब वही डबल स्प्रिंग है ना, प्रयोग किया जाता है। डबल स्प्रिंग क्या करती है वो लिख लेते हैं, छाप लिया कितना, कोई थ्योरी है क्या बच्चों? सागर रॉय गुड इवनिंग, भावेश कुमार यादव गुड इवनिंग, सचिन सहरन गुड इवनिंग। इसके अलावा आज ये ठीक हो गया इसका कलर कंप्यूटर का है? नहीं, अजीब सा कलर दिखाता था पहले, कुछ गड़बड़ हो गई थी शायद इसमें। आगे बढ़ेंगे, बताओ छाप लिया, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? कि सर यहाँ पे डबल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, और ये जो डबल स्प्रिंग है ये आपका दो काम करेगी। पहला काम तो आपका जो अगर एक स्प्रिंग टूट भी जाए तो आपका पूरा सिस्टम को फेल होने से बचाएगा, है ना, यानी एक बैकअप के तौर पे भी यूज़ की जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये स्लिप होने से बचाता है ना, स्लिप होने से। तो यहाँ डबल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है जो कि क्लच पर ज्यादा प्रेशर की स्थिति में स्लिप होने से बचाते। साथ ही यदि एक स्प्रिंग टूट जाए तो क्लच को फेल होने से बचाती है। आशीष प्रजापति, अब बात करता हूं कि सर यहाँ पे जो लीवर लीवर यानी आपका क्लच पैडल की मैं बात करूँ, उससे जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट वो किस पे अप्लाई होता है, ये आपका लीवर रहा, इसको आप जैसे मूव करते हो तो डायरेक्ट आपके रिटेनर पे इम्पैक्ट रहता है, यानी उसका कनेक्शन कहाँ से रहता है, रिटेनर पे। तो मैं एक चीज़ बोलूँ तो यहाँ पे इस प्लेट पर या स्प्रिंग का जो दबाव है वो कम या ज़्यादा किया जा सकता है रिटेनर के द्वारा। किसकी सहायता से? रिटेनर करेगा उसको कंट्रोल एक तरीके से, क्योंकि प्रत्येक स्प्रिंग को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर रिटेनर, जैसा कि अपन ने वॉल के अंदर में भी लगाया था ना, तो यहाँ पे रिटेनर का प्रयोग किया जाएगा, बराबर है? तो रिटेनर का यूज लिख लो,
द्वारा लगाया गया बल रिटेनर की सहायता से स्प्रिंग वे प्रेशर प्लेट पर दाब कम या ज्यादा किया जा सकता है। कम भी कर सकते हैं, ज्यादा कम या ज्यादा अच्छा एक चीज बताइए मुझे, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। जब आप क्लच पेडल को दबाएंगे तो रिटेनर आगे जाएगा या पीछे जाएगा, बस ये समझा दीजिए मुझे। जब आप पेडल को दबाएंगे तो रिटेनर आगे जाएगा पीछे जाएगा, पीछे जाएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है। लिखो यानी यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स मैकेनिज्म यूज किया जाता है, यानी वो आपका कुछ जो शाफ्ट को तैयार किया उस तरीके से फोर्स लगता है कि वो उल्टा उल्टी डायरेक्शन में जाता है। वैसे तो अपन तो दिमाग तो ये काम करेगा कि यार इसको अपन जैसे ही दबाएंगे इधर तो वो उधर पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना अपन ऐसे दबाएंगे, क्लच को ऐसे दबाया जाता है ना, तो ऐसे दबाओगे तो ये चीज बाहर निकलती है, तो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा क्लच पैडल दबाने से। तो देखो क्लच, क्लच पैडल पर रिटेनर पीछे की तरफ मूव करता जिससे प्रेशर प्लेट पर दबाव हट जाता कम या हट जाता है। और आपकी डिस्क जो होती है वो डिसंगेज हो जाएगी ना, या मैं बोलूँ आपका क्लच जो है वो पीछे हट जाएगा, और जैसे फिर आप अपना गियर चेंज करके वापस अगर पैडल को छोड़ेंगे तो रिटेनर किधर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, जो कि दबाव डालेगा स्प्रिंग पर, स्प्रिंग डालेगी प्लेट पर, प्लेट जाके आपके वापस फ्लाई व्हील के अंदर सेट हो जाएगी। फ्लाई व्हील के अंदर एक खांचा कटा होता है जिसपे उसको भी थोड़ा सा मतलब इस प्रकार बनाया जाता है कि वो थोड़ा सा फ्रिक्शन लाइनिंग होती है उस पर, है ना, घर्षण को बढ़ाने के लिए, तो उस पर थोड़ी मशीनिंग की जाती है, खुरदरा टाइप में बनाया जाता है उसको हल्का सा, जो कि आपका किसका पार्ट था वो ड्राइविंग मेंबर का। ध्यान रखना क्लच का मैंने बोला था पिछला हिस्सा, पिछला हिस्सा एक तो आगे वाला जो कि आपके इंजन की तरफ होगा, एक पिछला हिस्सा जिसमें ये आके फिट होता है, ये भी आपका ड्राइविंग, क्योंकि इसके अंदर भी आपको एक मशीनिंग क्रिया करके और फ्रिक्शन लाइनिंग काटी जाती है एक तरीके से, है ना। तो ये था आपका बड़ी स्प्रिंग के द्वारा अपन कैसे ऑपरेट करेंगे, सिंपल सा मैकेनिज्म है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे सर दो स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है और एक एडजस्टेबल रिटेनर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप पैडल या रिटेनर जो है आपका, ये एक तरीके से स्प्रिंग पे लगने वाले फोर्स को कम या ज्यादा करेगा, है ना, क्योंकि अपन इसी पे लगाएंगे पैडल के द्वारा फोर्स, और जैसे आप पैडल प्रेस करते हैं तो रिटेनर पीछे की तरफ मूव करता है जिससे स्प्रिंग पे फोर्स कम हो जाता है, प्रेशर प्लेट पे कम होगा, प्रेशर प्लेट पीछे आएगी तो आपकी क्लच डिसंगेज हो जाएगी, और जैसे आप वापस छोड़ोगे तो वापस उस पर धक्का लगेगा और अंगेज कंडीशन में हो जाएगा, ये इसका मैकेनिज्म रहता है सिंपल सा ना। नेक्स्ट आप कौन सा है, डायफ्राग्राम है ना, नंबर 2।
ये थोड़ा आजकल प्रचलन में है ना। इसके तो बहुत सारे डायग्राम मिल जाएंगे आपको, वो बड़े वाले के नहीं मिलते क्योंकि वो बहुत कम यूज होता है। इस सारे डायग्राम इसके हैं देखा जाए तो। ये फोटो भी इसी का है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, है ना। ये भी सी का है, ये भी सी का पार्ट है, ये भी आपका डायफ्राम ही है। ठीक है, ज़्यादा नज़दीक से समझने के लिए अपन को ये वाला हेल्प कर देगा। देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक तो पूरी प्लेट भी होती है और एक ऐसे अलग अलग पत्तियाँ कट के प्लेट बनाई जा सकती है। दो प्रकार से डायफ्राम तैयार किया जा सकता है ना। तो डायफ्राम में सबसे पहले चीज़ तो ये लिखनी है कि आजकल थोड़ा सा मतलब ये प्रचलन में है, मतलब थोड़ी सी इसकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, इधर ध्यान दो, क्या देखने को मिल गया? सारे एक साथ मोबाइल में कैसे लगे हैं? क्या मैसेज है? एक साथ तीनों ने फोन उठाया, मैं बोलता रह गया, तीनों अपने फोन में लगे हुए हैं यार, गजब है। जब पानी की बोतल लेके आना उधर से। तो डायफ्राम स्प्रिंग का फायदा क्या है ये बताइए मुझे भाई। अभी जो बड़ी स्प्रिंग यूज की थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या बेनिफिट होने वाला है आपको? प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। कैसे? देखो यहाँ पे एक चीज आपको सबसे अच्छा मिलेगा कि यहाँ पे एक साथ इम्पैक्ट लगने वाला है, क्योंकि जैसे आप एक बार धक्का दे दें तो पूरी की पूरी डायफ्राम उधर मूव हो जाएगा। स्प्रिंग में तो आप धीरे 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 भेजोगे और लगेगा ना लगेगा, एक स्प्रिंग टूट भी सकती है। यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेट एक साथ दबाव डालती है उस प्लेट पे, क्योंकि ये एक बार या तो इधर आएगी या फिर इधर ही रहेगी, और कोई बीच वाली स्थिति नहीं है कि बीच में फंस जाएगी, है ना। या तो इधर ही है या इधर है ना। तो ये एक इसका फायदा हुआ डायफ्राम का। तो इसका ये रहता है कि कांटेक्ट प्रेशर बना रहता है ना। इसमें क्या होता है कि जब ये इधर रहेगा तो ऐसा नहीं है कि इधर आ जाएगा, चांसेस नहीं है। स्प्रिंग में फिर भी चांसेस है कि स्प्रिंग कोई भाई अगर मान लो ज्यादा अगर फोर्स आता है तो वो कंप्रेस भी हो सकती है। ये चीज कंप्रेस भी नहीं होने वाली, ये इधर ही रहेगी आपकी, मतलब एक कॉन्स्टेंट प्रेशर बना के रखती है हर टाइम। अब इसके अंदर पॉइंट लिखो ना, लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा ज्यादा कहानियां। पहला पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे? आजकल ज्यादा प्रचलन में यह है मैकेनिज्म आजकल गाड़ियों में काफी प्रचलित है।
और प्रचलित क्यों है? क्योंकि ये हैं प्रेशर प्लेट पर नियत दाब, कांस्टेंट प्रेशर, ये थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना, कांस्टेंट प्रेशर बनाकर रखती है। तो इसका स्पेशल फीचर हो गया कि हर टाइम मतलब एक यूनिफॉर्म प्रेशर बना के रखती है ना, फ्लक्चुएशन नहीं आता उसमें प्रेशर में। शेप कैसी होती है इसकी? तश्तरीनुमा डिस्क बोल सकते हो, डिस्क होती है एक, सिंपल सी दिख रहा होगा आपको है ना, बाकी तश्तरीनुमा ऐसे देखो, क्योंकि आपने कभी अगर ध्यान से देखा हो उड़न तस्तरी वगैरह, उसका शेप भी कुछ इस प्रकार का ही होता है ना। जैसे आपने वो सुना भी होगा, अमेरिका में कुछ आए भी थे ऐसे उड़न तस्तरियाँ वगैरह देखी गई हैं। अब वो फेक न्यूज़ है या फिर बाकी, अमेरिका ने भी उस पूरे एरिया पे पाबंदी लगा रखी है जिसमें काफ़ी बार आते भी हैं ना उड़न तस्तरियाँ। देखा जाए तो इसकी स्पीड भी ये देखा जाए ना तो स्पीड ज़्यादा रहती है अपने एरोप्लेन या अपने फाइटर जेट होते हैं ना, मतलब इस शेप का जो स्ट्रक्चर है ना ये जो, इसीलिए तस्तरी उड़न तस्तरियों में स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, वो पल भर में गायब हो जाते हैं, उनको मतलब पकड़ नहीं पा रहे वो, इतनी स्पीड रहती है यार। लेकिन एयर की वेलोसिटी से तो नहीं कमी होगी, ये तो फिक्स है, क्योंकि एयर की वेलोसिटी सॉरी आपकी लाइट की जो होते हैं 3×10^8 उसकी बात कर रहा हूँ, उससे तो कम ही है, उसके बराबर जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो सब उथल पुथल हो जाना आपका ना। तो इसका शेप, हाँ, डायफ्राम प्लेट एक तश्तरी नुमा प्लेट होती है जो कि किसकी बनी होती है, स्टील की है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना स्टील को, कि डायफ्राम प्लेट किसकी बनी होती है जो कि स्टील की खांचे नुमा आकृति में बनी होती है, मतलब इसमें खांचे कटे होते हैं। और स्पेशल बात क्या है इसका, मैं अंगेज कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इसका सेंट्रलाइज जो पार्ट होता है यानी इसका जो मध्य वाला पार्ट होता है ना, मैं उसी की बात करूँगा क्लच केसिंग के साथ है ना, और जो इसका आउटर पार्ट होता है वो प्रेशर प्लेट के साथ अंगेज रहता है। सेंट्रलाइज यानी जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये क्लच केसिंग के साथ, क्लच प्लेट के साथ नहीं, क्लच केसिंग के साथ, और इसका एक पार्ट यानी ये जो आउटर पार्ट होता है ये आपके प्रेशर प्लेट के साथ रहता है। देखो इधर ध्यान से देखो, ये आपकी प्रेशर प्लेट रहने वाली है क्या बताओ, बीच में से खोखली दिख रही है क्या? अब ये देखो, इनको अगर मैं एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो आउटर पार्ट तो यहीं कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब इसको अंगेज करेंगे तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसके पीछे की तरफ है। हालांकि क्लच प्लेट नहीं बोल रहा मैं, क्लच केसिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि केसिंग पीछे वाला हिस्सा जो आपका सेंट्रलाइज पार्ट है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि जो आपका डायफ्राम टाइप का क्लच होता है उसका मध्य पार्ट आपकी क्लच केसिंग से जुड़ा होता है, और आउटर पार्ट यानी बाहर की जो पेरिफेरी होती है वो प्रेशर प्लेट के साथ जुड़ती है, याद रहेगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट बना के,
डायफाग्राम स्प्रिंग नहीं बोलेंगे, प्लेट ही बोलेंगे इसको, प्लेट का मध्य भाग, क्लच केसिंग से जुड़ा होता है। तथा इसका बाहरी भाग यानी इसकी परिधि की मैं बात करूं, बाहरी भाग प्रेशर प्लेट से जुड़ी रहती है। अब बात करते हैं कि अपन क्लच पेडल को दबाएंगे तो क्या होने वाला है। देखो ये आपका अंगेज कंडीशन में जब होगा तो ये अभी तो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा नहीं रहेगा, है ना। और ये जस्ट यहाँ पे लगी होगी, ये एक रिंग भी लगी होती है जिसको अपन फल्कन रिंग बोलेंगे। ये आपके लीवर के द्वारा लगाए गए प्रेशर को थोड़ा सा कम करने के काम आएगी, यानी आपके पैर को कम ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और इसको इधर लाने के लिए थोड़ी ताकत ज़्यादा चाहिए नॉर्मली स्प्रिंग के कंपैरिजन में। तो स्प्रिंग वाले तो थोड़ा सा आपके पैर से, लेकिन ये चीज़ दबान, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वही लीवर का प्रयोग करेंगे। और लीवर एक तो लीवर आपका ये है ही इधर वाला, इसके अलावा भी इस प्लेट को ऑपरेट करने के लिए भी एक बियरिंग मैं बोलूंगा, ये आपका राउंड जो शेप है ना, रिलीज बियरिंग बोलूंगा मैं इसको, या लीवर बोल सकता हूँ, है ना, बैक लीवर भी बोल सकता हूँ इसको, इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी जब ये इस स्थिति में, यानी पीछे की तरफ, आप थोड़ा सा उल्टा देखना, ये समझो इस प्लेट को मैंने ऐसे लगा दिया उल्टा, है ना, जैसे इधर भी आपका देख रहा होगा अंदर की तरफ ये हो, है ना, वो अंदर की तरफ, मतलब अंगेज कंडीशन की मैं मान रहा हूँ, अंदर की तरफ इस प्रकार रहेगी। जैसे ही आप इसको दबाओगे तो ये प्रेशर जो है सेंट्रल पार्ट पे नहीं लगेगा, मतलब वैसे तो शाफ्ट तो मध्य में ही रहेगी, लेकिन ये आपके जो फाल्कन रिंग लगाई गई है यहाँ पे, इनके माध्यम से प्रेशर रिवर्स हो जाएगा। वही कहानी जैसे उसमें रिटेनर में हुआ था, रिटेनर को उल्टा खिसकाया था अपन ने, यानी वहां पे भी रिवर्स मैकेनिज्म यूज करके उसको वापस धकेला गया था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। यानी यहाँ पे प्रेशर तो ऐसे लगेगा, लेकिन ये रिवर्स मैकेनिज्म होने की वजह से ये जो रिंग है ना, ये जो बियरिंग है, ये इसको बाहर की तरफ धक्का देगी। समझ पा रहे हो, है ना। तो ये लिखो इसमें लाइन, जब क्लच पैडल दबाकर रिलीज बियरिंग द्वारा, है ना, रिलीज बियरिंग द्वारा, वही अपन इस बियरिंग की बात कर रहे हैं, रिलीज बियरिंग, जब क्लच पैडल को दबाते हैं तो रिलीज बियरिंग द्वारा डायफ्राम को या डायफ्राम की परिधि पर बल लगाया जाता है।
उसकी पेरिफेरी पे प्रेशर लगेगा ना। जिससे भारी से ऊपर उठ जाएंगे ना, जिससे क्या होगा उसकी जो पेरिफेरी होती है, जिससे उसकी परिधि या भारी हिस्सा, जाएंगे वह जो कि प्रेशर प्लेट को बाहर ले आएंगे। क्योंकि वो जो रिंग आपका उसी का पार्ट रहती प्रेशर प्लेट के साथ ही, तो उस प्रेशर प्लेट को भी साथ ले आई हो बाहर की तरफ और डिसंगेज हो जाएगी आपकी क्लच। और जैसे छोड़ोगे, हाँ अगर क्लच छोड़ोगे तो दबाव कहाँ बनेगा, तब मध्य में लगेगा, तब मध्य पे धक्का लगेगा, वो अंदर की तरफ जाएगा, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पे ना। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों में उल्टा काम हो रहा है। मतलब जब आप प्रेस कर रहे हैं तब रिलीज बियरिंग पे प्रेस, मतलब रिवर्स करके और फिर परिधि पे फोर्स बनाया जा रहा है जिससे उससे भार लाया जा रहा है, और जब छोड़ा जाएगा तब मध्य पे भाग प्रेशर लगेगा। तो ये भी लिख लो, यानी जब वापस क्लच रिलीज की जाती है तो डायफ्राम के मध्य भाग पर दाब लगता है जो कि इंगेज कर देगा, करेगा। और रिलीज बियरिंग वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा वापस अपनी जगह, आउटर परिधि फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। जब आप वापस प्रेस करोगे तब वो बाहर आ जाएगा। तो ये इसकी कहानी है डायफ्राम आपका। अब हेडिंग डालिए आपका नंबर 3, छोटे शॉर्ट कॉइल स्प्रिंग। आशीष रो, यार एक तगड़ी का वो लिखता है आशीष रो, फिर से आज इसने लिखा है, जिसे देता है हर इंसान सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, ऐसे गुरुदेव को करता है मन से प्रणाम, जय गुरुदेव। पता नहीं कहाँ से लाता है डेली, पहले अभी तो आता नहीं है, नहीं पहले जब इसने मेरी पूरे क्लास लिए ना, पूरे 6 महीने डेली शायरी लिखी है, तगड़ी तगड़ी। अपने ग्रुप में भी डाली थी मनोज ने, उन्होंने मतलब ऐसा लगता है इसके, और सारी टीचर्स पे सबसे बड़ी बात, क्योंकि इतनी तो यार बुक में भी नहीं मिलेंगी, तो ये खुद भी बनाता होगा। होता है टैलेंट कुछ लोगों का। नंबर 3, नंबर 3 कौन सा आपका, कई छोटे छोटे, कॉइल स्प्रिंग लगाकर। भाई अभी
या तो आपका दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा या फिर यही डबल हो जाएगा। मतलब ये डबल टाइम हो जाएगा 2 घंटे। लुब्रिकेशन अभी करवा दूं? छोटे कोयल स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं, नीचे बात करूंगा मैं, छोटे कोयल स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डायग्राम आपके काफ़ी सारे हैं। अब एक बार समझ लेते हैं इसको, बाकी कल लिखेंगे इसको, है ना। जैसे कहाँ गया, ये रहा सबसे अच्छा डायग्राम। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है ना, ये सब में प्रयोग की जा रही है ना, ये आपके जो कभी इस स्प्रिंग को मत समझना गलती से भी, है ना। ये बड़ी गलती कर जाते हैं बच्चे, वो इस क्वेश्चन स्प्रिंग को भी ये वाली स्प्रिंग, छोटी छोटी स्प्रिंग वाली, ये समझ जाते हैं। ये अलग है, ये प्रेशर प्लेट में लगी होती है, ये आपके क्लच प्लेट में लगी हुई है एक तरीके से, है ना। और ये आपका एक तरीके से वाइब्रेशन, अभी स्प्रिंग लगने लगी है, मान के चलिए पहले गुटके लगते थे यहाँ पे, रबर के गुटके लगते थे, जो ये मेरे को बड़ी स्प्रिंग, वो जो बड़े फर्स्ट वाला लिखा, बड़ा वाला सबसे पहले जो लिखा था ना अपन ने, बड़ी स्प्रिंग वाली, उसमें ये पहले यूज होती थी। यहाँ पे मैंने स्किप करवा दिया, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलते हैं इनको, क्वेश्चन स्प्रिंग की जगह रबर के गुटके लगाए जाते हैं ना, तो लगाए जाते थे पहले, ये पहले की टाइप की है, तो चाहो तो यहाँ ऐड कर सकते हो, आपके पास जगह हो ना। मेरे पास जगह नहीं, आप जगह हो तो एक चीज और ऐड कर दो कि इसमें कंपन या क्लच प्लेट के वाइब्रे, इस लिखो इसमें, इसमें क्लच प्लेट के कंपन को, इसमें क्लच प्लेट के कंपन को कम करने के लिए कुशन स्प्रिंग की जगह रबर के गुटके इस्तेमाल किए जाते थे। कंपन को कम करने के लिए कुशन स्प्रिंग की जगह रबर के, ब्लैक कलर के गुटके आते थे, रबर के गुटके प्रयोग किए जाते थे या यूज किए जाते थे। लिख लिया, इसको समझ लेते हैं कहाँ है ये। देखो यहाँ पे आपके देखा जाए तो ये डायग्राम नजर आ रहा है आपको, यहाँ छोटे छोटे ऐसे स्प्रिंग लगा दिए जाते हैं, कहाँ पे, आपकी प्रेशर प्लेट पे, बराबर है। दूसरा यहाँ पे ये जो आपके रिलीज लीवर, जिसको अपन रिलीज फिंगर भी बोलेंगे, मैं एक लाइन और भी लिखवाऊंगा, इनकी सहायता से अपन इनको अलग करते हैं, यानी इन पे दबाव बनाया जाता है। ये जो रिलीज फिंगर्स होते हैं, ये देखो एक तो, दो तो ओपन कंडीशन में दिखा रहा है, एक क्लोज कंडीशन में भी है। जब आप पेडल को रिमूव करेंगे तो ये एक और डायग्राम था जिसमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि इन पे प्रेशर लगेगा। मतलब आप जब पेडल को रिमूव करोगे ना, जैसे आप पेडल को दबाओगे तो यहाँ जो रिंग होती है वो इनको उठाती है ना, इनको उठाते ही ये अलग दूर हो जाता है, और वापस फिर करना हो तो स्प्रिंग को दबेंगे और तब इसको लॉक किया जाएगा, है ना। मैं फोर डायग्राम है तो दिखाता हूँ आपको, कहीं स्प्रिंग वाला नजर आ रहा है क्या आपको? इसमें ही है यार, ये डायग्राम एक ही है मेरे पास, आया नहीं दूसरा, इसको अपन कल लाएंगे। इसी के अंदर ये वाला भी है, मतलब ये डायफ्राम सहित है और ये भी है इसी इसी सेम पैटर्न में, है ना। तो इसको अपन कल देखेंगे, ठीक है, इसको अपन कल समझेंगे, क्योंकि उस बिना डायग्राम के थोड़ा समझ में कम आएगा आपको ना, डायग्राम से ही बेस्ट समझ में आएगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये किताब में जो डायग्राम दिए ना, इन्होंने क्लियर नहीं दिए, तो इनको अगर अपन डालें तो ये समझ में नहीं आएंगे तुम्हारे। नहीं तो किताब में भी दे रखे हैं इन्होंने, के डायग्राम जैसे इस प्रकार के दे रखे हैं, ये समझ में नहीं आएंगे अगर अपन इधर लेंगे तो। बहुत ही छोटे छोटे, और वो भी ये ना टुकड़े टुकड़े कर दिए इन्होंने, नहीं तो थोड़ा क्लियर भी नहीं है इनका। क्लियर हो ना तो, अब ये होता है जो लोकल राइटर होते हैं ना वो देते हैं डायग्राम तो तगड़े वाले कलरफुल, वो भी